ये एक अच्छी पंजाबी कॉमेडी फिल्म है और बड़ी कहानी बहुत अच्छी है इसकी। साहिल जो हैं वो आला इसके डायरेक्टर राइटर हैं, अशोक कुकरेजा जी जो हैं वो इसके प्रोड्यूसर हैं, और इसमें गोविंदा भैया का गेस्ट अपीयरेंस है, शक्ति जी हैं, असरानी जी हैं, पूरी हिंदी कास्ट ज़्यादातर है इसमें, और हमारा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसमें। और सबसे अच्छी बात कि नवराज युवराज दोनों भाई हैं वो इसमें लॉन्च हो रहे हैं इस फिल्म से, जो हंसराज जी के बेटे हैं, तो एक बड़ी अच्छे क्वालिटी की और बड़ी बोलते हैं कि पंजाबी सिनेमा की ज़्यादा नॉलेज तो हमें नहीं है अभी, लेकिन यह है कि हमने एक फ़िल्म की थी तो बहुत प्यार मिला, तो ये दूसरी फिल्म है तो इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी सुगंध है जो लोगों को बॉलीवुड से जो है पंजाबी फिल्मों की तरफ खींच लेती है, इसमें शक्ति कपूर जी हैं? नहीं, ऐसा देखिए, हम लोग एक्टर लोग हैं और हम लोगों को जहाँ एक्टिंग करने का मौका मिलता है वहाँ पर हम लोग प्राउड के साथ एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मराठी फिल्म भी की हैं दो, और ये पंजाबी फिल्म दूसरी है हमारी, और क्या है, कहानी अच्छी लगे, कास्ट अच्छी लगे और कंटेंट अच्छा लगे तो भाषा हमारे लिए, क्योंकि हम हिंदी सिनेमा में सर्वाइव करने वाले लोग हैं और पूरे देश दुनिया में जिस भी भाषा में हमें फिल्म मिल जाती है हम करने की कोशिश करते हैं। नहीं, अच्छा है कि एक बड़ी फिल्म है जिसमें एक हिस्सा होने का सौभाग्य मिला, और क्या है, राकेश जी के साथ में क्रेजी फोर की थी तो क्रेजी फोर में एक बहुत मुख्य भूमिका के किरदार वाला कैरेक्टर था, और इसमें बहुत एक अच्छा छोटा स्मॉल क्यूट सा रोल है जो राकेश जी ने पहले के बारे में बताया था, और बहुत अच्छा लगा पूरी यूनिट के साथ काम करके। आज फिल्म खूब जो है झंडे गाड़ रही है, तो पूरी टीम के लिए शुभकामनाएं और खूब क्रिश और भी चले, और खूब मेहनत की गई, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस यही कि बस दुआ करिए सब लोग कि एक सिनेमा कोई भी नया जब बनना शुरू होता है तो बहुत सारे लोगों खून पसीने की मेहनत होती है, और सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिनेमा बने तो वो लोगों को दिखाने के लिए बने और लोग खूब देखें और उसमें खूब एंजॉय करें, आशीर्वाद दें जी, बोलो।